सबको एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना है अपने विचारों में, संकल्पों में। मनुष्य ने सोच लिया, देखिए संकल्प ही है ना, एक मनुष्य सोचता है पैसा बहुत होगा तो जीवन सुखी होगा, वो सोचता है कैसे भी पैसा कमाऊं, पैसा होना चाहिए, वो गलत काम करने लगता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है नहीं, मुझे अपने सद्गुणों को, अपने धर्म को, अपने पुण्यों को नहीं छोड़ना है, पैसा भी भगवान देता रहेगा, मैं सत्मार्ग पर चलकर धन कमाऊंगा। उसका ये एक विचार है जो उसे पुण्यों की ओर ले चलता है। एक व्यक्ति को थोड़ा सा बुखार होता है, वो परेशान होता है, बुखार हो गया, अभी तो अच्छा टाइम आया था, मुझे बुखार हो गया, बहुत दुखी हूं। दूसरे व्यक्ति को कैंसर होता है, लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, कैंसर हुआ है ठीक हो जाएगा, वो खुश रहता है। विचार है ना केवल। एक व्यक्ति है, उसको कोई कुछ बुरा बोलता है, वो परेशान हो जाता है, सारा दिन उदास बैठा है, यही सोच रहा है उसने ये कहा, उसने ये कहा। और दूसरा व्यक्ति है, उसको कोई बुरा बोलता है तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है, खुश रहता है। तो विचार बहुत बड़ी चीजें हैं, इसलिए ध्यान देंगे, अपने विचारों को बदल दो तो आपका संसार बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप चेक कर लो हमारा कौन सा विचार हमें कष्ट दे रहा है, कौन सा विचार हमारी उन्नति का साधन बन सकता है, हमारे किस विचार से दूसरों को भी सुख मिलेगा। इस बात का ज्ञान तो संसार में प्राय है ही नहीं। आप घर में बैठकर जो कुछ सोच रहे हैं, तो मैं एक माता का उदाहरण दे देता हूं। आप अपने घर में बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उल्टा सुलटा, अच्छा बुरा सब सोच रहे हैं, आपके मन की तरंगें आपके पूरे घर में फैल रही हैं। आपके घर में जो पानी रखा उन तरंगों को वो भी ग्रहण कर रहा है, आपके फ्रिज में जो फल रखे हैं ये मन की तरंगे उन फलों में भी समा रही हैं, आपके घर में जो भोजन बन रहा है उसमें भी जा रही हैं। और बहुत ध्यान दें माताएं, तो बहुत ध्यान दें, सावधान होंगे, आपके घर में जो छोटे बच्चे पल रहे हैं, चाहे वो 6 मास का है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, 7 साल तक, आप जो कुछ सोच रहे हैं, आपका जो व्यवहार हो रहा है, उसका पूरा प्रभाव उस नवजित शिशु पर पड़ रहा है। बहुत ध्यान देंगे आप। आप ये ना सोचो हम तो पति पति लड़ रहे हैं अलग कमरे में, बच्चों को क्या पता। आप कहीं भी लड़ो, आपकी अशांति की तरंगें बच्चों के ब्रेन में भरती जा रही हैं।